महिला पहलवानों ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय पहलवान संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने उनका यौन शोषण किया। इसके लिए उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना शुरू कर दिया है। गोंदिया के एथलीटों, वकीलों, खेल प्रशिक्षकों, विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी यहां प्रशासनिक भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में आंदोलन के समर्थन मिला है। वहीं बृजभूषण सिंह को उनके पद से हटाकर गिरफ्तार भी किया जाना चाहिए। गोंदिया अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को कड़ी सजा की मांग वाला बयान भेजा गया। कुलवाती पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में यौन शोषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस आंदोलन को जहां विभिन्न संगठनों का समर्थन मिल रहा था, वहीं पहलवानों के समर्थन में गोंदिया में प्रशासनिक कार्यालय के सामने धरना दिया गया। इस धरने में सभी दलों के नेता, विभिन्न सामाजिक शैक्षणिक संगठनों, ओबीसी संगठनों के प्रतिनिधि और शहर में खेल से जुड़े प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में कई पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले पहलवान विरोध कर रहे हैं। पहलवानों का यह आंदोलन इस मांग को लेकर चल रहा है कि महिला पहलवानों का यौन शोषण और प्रताड़ना करने वाले भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की जाए। महिला पहलवानों के साथ अन्याय और उत्पीड़न न केवल उनके भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त सम्मान के साथ जीने के उनके अधिकार का हनन है, बल्कि यह हमारी भारतीय संस्कृति पर भी एक धब्बा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर भारत का गहना बनने वाली महिला एथलीटों के साथ दुर्व्यवहार बेहद गंभीर और निर्दयी है। पुलिस द्वारा पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं की पिटाई निंदनीय है। उपस्थितों ने कहा कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष कर रही महिला पहलवानों के साथ खड़ा होना हमारा कर्तव्य है। इस बीच बृजभूषण सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी भेजा गया। दिल्ली में जो 15 दिन से महिलाएं धरने पर बैठे हुए हैं, उसी के समर्थन में आज सभी लोग हम यहाँ पे उपस्थित हैं। अधिक सभी क्षेत्रों से आज गोंदिया जिला के जितने महिला खिलाड़ी हैं, वो लोग भी आज यहाँ उपस्थित हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द न्याय मिले, यही हम सबकी मांग है। दिल्ली मध्ये ज्या कुस्तीपटू मुली ज्या बसलेल्या आहेत आणि त्यांचं जे शारीरिक आणि मानसिक जे शोषण झालेलं आहे, त्याविरुद्ध जे कुस्ती संघाचे जे प्रमुख आहेत, त्यांनी आवाज उचलला आहे, पण त्याची शासनाने दखल घेतली नाही। म्हणून सुप्रीम कोर्टाला की FIR फाईल करा या संदर्भात सूचना द्यावी लागली, ही अत्यंत लाजीरवाणी गोष्ट आहे। अरे, देशासाठी सोनं जिंकणाऱ्या, गोल्ड जिंकणाऱ्या मुलींच्या संदर्भात असं होत असेल आणि त्यांच्या एकंदर तक्रारीची दखल घेतली जात नसेल, तर पालकांनी आपल्या मुली खेळण्यासाठी का पाठवाव्या? जे हा एक मोठाच प्रश्न निर्माण झाला। एका बाजूनं आम्ही बेटी बचाओ बेटी पढाओ हा नारा देतो आणि दुसऱ्या बाजूनं जी बेटी वाचली असेल, जी बेटी शिकत असेल, जी बेटी आपलं अस्तित्व निर्माण करत असेल, जी बेटी या क्षितिजावर स्वतःच्या पाऊलखुणा रेखाटत असेल, देशाचं नाव उज्ज्वल करत असेल, त्या बेटीवर अशा प्रकारची पाळी यावी हे देशासाठी अत्यंत लाजीरवाणी आणि शर्मेची गोष्ट आहे। तत्काळ शासनानं या प्रशासनानं याच्यावर कारवाई करून त्या मुलींना न्याय देण्याचं काम करावं। महिला खिलाडीवर जो अत्याचार हुआ है, उसके लिए हमारे यहाँ पर काफ़ी महिला खिलाड़ी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सब अलग अलग क्षेत्रों से, जो अलग अलग गेम से जुड़ी हुई है। और हमारा ये मांग है कि जो ऐसी महिला खिलाड़ियों पर जो अत्याचार हो रहा है, इसको सरकार ने जल्द से जल्द इसका निराकरण करके उसको उचित यानी न्याय दिला जाए खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी को, ताकि महिलाओं के अंदर जो असुरक्षा की भावना निर्माण होती है, तो उसको कम से कम सरकार का ये फर्ज बनता है कि उसको जल्दी से जल्दी उसको लोगों के सामने लाया जाए कि ये अत्याचार हुआ है, नहीं हुआ, क्या है। क्योंकि अगर ऐसा बताया जाता है कि ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसको जल्दी से जल्दी निष्पक्ष जाँच करके लोगों के सामने लाया जाए। आज संपूर्ण जगामध्ये आपल्या भारत देशाचं नाव रोशन करणाऱ्या महिला खिलाड़ी दिल्लीच्या जंतर मंतरवरती आंदोलनासाठी बसलेले आहेत। त्या मागच्या 23/4/2023 पासून आंदोलन करत आहेत। त्यांचा उद्देश आहे की देशाच्या कुस्ती संघाचे अध्यक्ष सांसद बृजभूषण शरण सिंगनी त्यांचं मानसिक आणि शारीरिक शोषण केलेलं आहे। दोन प्रकारचे FIR फाईल करण्यात आलं, एक पाक्सोच्या अंतर्गत FIR फाईल करण्यात आलं आणि एक जनरल FIR फाईल करण्यात आलं। की FIR होता दाखल होता बरोबर बृजभूषण शरण सिंगला अरेस्ट करायला पाहिजे होता, परंतु दिल्ली पोलीस जे भारत देशाच्या गृहमंत्र्याच्या अंडरमध्ये काम करते, ते दिल्ली पोलीस त्या कायद्याच्यानुसार कार्यवाही काही करत नाही आहे। आणि म्हणून गोंदियाच्या तर्फे, गोंदियातील जे सुजाण नागरिक आहेत, त्या सुजाण नागरिकांच्या तर्फे हे एक दिवसाच्या या ठिकाणी आंदोलन आयोजित करण्यात आलेलं आहे। NBCN न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।